मोर देन 1 मिलियन मुस्लिम्स रोजाना हर मुसलमान नमाज में 10 मरतबा 5 वक्त की नमाज में 10 टाइम्स एटलीस्ट ये बोलता है मालिक यौमिद्दीन मालिक यौमिद्दीन कि उस दिन का मालिक कौन है, वो ये वही दिन की तरफ इशारा करता है। हर चीज फना होगी, तो अब हमको ये सोचना है कि जब हर चीज फना होने वाली है एंड वी आर प्लानिंग फॉर 100 ईयर्स, हम प्लान कर रहे 100 साल का डेली बेहतरीन आमाल, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी बढ़े, तुम ये चाहते हो कि तुम हियर और हियर आफ्टर तुमको सुकून मिले, पीस मिले लाइफ में, तो जितना हो सके अल्लाह के नामों की तस्बीह पढ़ो। मरने के बाद सबसे ज्यादा काम आने वाली, सबसे ज्यादा काम आने वाली अस्तग़फार, सॉरी। इसीलिए अभी रमजान गुजरा, अभी रमजान आपने शब कदर में एक बड़ी फेमस दुआ जो पूरी दुनिया में पढ़ी जाती है, शब कदर की वेरी वेरी फेमस, हर घर में पढ़ते, हर मस्जिद में, हर इमाम बारगाह में, हर हुसैन में। शब कदर की फेमस दुआ कौन सी है? 19, 21 and 23, ये 3 रातों में बड़ी फेमस दुआ, जोशन कबीर, जिसमें अल्लाह के 1000 नाम है, उसमें 100 टाइम्स भी से सुभानका सुभानका उसकी तारीफ करते, सुभानका सुभानका उसकी तारीफ, उसको प्रेस करते, फिर भी से ला इलाहा इल्ला अंत उसकी वहदानियत का ऐलान करते, फिर भी से अल्गौस अल्गौस फॉरगिव मी 200 टाइम्स भी ऐसे अल्गौस अल्गौस, फिर भी से खल्लिसना मिनन्ना यारा अल्लाह तो मुझे बचा ले। ये दुआ इतनी रिकमेंड, ये जरूरत नहीं है कि आप सिर्फ शब कदर में पढ़ें, बल्कि ये दुआ आप साल भर पढ़ सकते हैं, जब भी इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम ये दुआ पढ़ सकते हैं। इसमें फॉरगिवनेस के लिए आप दुआ मांगें और उस आग से बचने के लिए दुआ मांगें जो मरने के बाद प्रॉब्लम हो सकती है, उसके लिए तो ये कोशिश करो कि जितना हो सके भी रमजान में इतना आपने इस्तग़फ़ार किया शब कदर में, इसलिए कि शब कदर की वो रात थी जो आपने स्पेंड की होगी 19, 21 and 23 को, सॉरी की रात है कि अल्लाह तो मुझे माफ़ कर दे, इतना सॉरी बोला ना, ये बेहतरीन आमाल। ये खाली शब कदर पे सॉरी बोलना नहीं है, होल योर लाइफ होल योर लाइफ होल ईयर एवरी डे एवरी डे नमाज असर के बाद जस्ट से 70 टाइम्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व तौबिल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व तौबिल्लाह, नमाज के बाद असर की नमाज के बाद 70 टाइम्स अगर कोई बोलता है तो अल्लाह दिन भर के 700 गुना उसके माफ़ कर। दोस्तों सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना वो गुना का प्रॉब्लम, अल्लाह माफ कर अल्लाह माफ कर। सबसे ज्यादा जो हमारे है ना वो बैड डीड्स है, हमारे गुड डीड्स कम है बैड डीड्स ज्यादा। कोई बंदा ये नहीं बोल सकता कि नो आई हैव गॉट बिग गुड डीड्स, मेरे पास बहुत है गुड डीड्स, वी डोंट नो हमको कुछ नहीं मालूम कि हमारे गुड डीड्स के लिए, बट बैड डीड्स वी नो कि व्हाट वी आर डूइंग इन आवर लाइफ। हम जोर किसी से जोर से बात कर रहे, हम किसी को हर्ट कर रहे, हम हराम रजा खा रहे, हम बैक बाइटिंग कर रहे, हम एलिगेशंस लगा रहे, ये सारे बैड डीड्स हैं। अब वी डोंट नो कि एक बैड डीड तुमको कहाँ से चल गया, गुड डीड्स ऑलवेज कम है हमारे, हम वी कांट से, वो तो उसका करम है, परवरदिगार इज सो जनरस इतना करीम है, वो तुम एक नेकी करते अल्लाह इतना तुमको अजर देता। एग्जाम्पल, तुम किसी यतीम को, अब ईद का दिन गुजरा, रमजान में आपने जो है ना खैरात की है, तो कितना उसका सवाब मिला होगा। ये महीने में भी कोशिश कर, डेली अपने मरने वाले को याद कर, एवरी डे सेंड समथिंग टू देम, अपने डैड को, इंदौर वाला फैमिली और चुनारा फैमिली वालों को बोल रहा कि जब तुम ये चाहते कि तुम अपने बाप को कोई गिफ्ट दो, इफ यू थिंक यू इफ यू वॉन्ट टू गिव द गिफ्ट, आप बोलेंगे हम गिफ्ट क्या देंगे,